नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल में आपका स्वागत है। और आज जो हम टॉपिक लेने वाले हैं, जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, वह है सुरक्षात्मक चिन्ह। सुरक्षात्मक चिन्ह के बारे में हम जब बात करते हैं, तो यह सुरक्षात्मक सुरक्षा की दृष्टि से दिए गए संकेत होते हैं एक प्रकार के, हमें कहाँ पे यह कार्य करना है या कहाँ पे नहीं करना है। ठीक है, ये संकेत, इनका कुछ एक स्टैंडर्ड होता है, इनका कुछ अपना कलर एस्ट्रोलॉजी होता है कि मतलब ये इस कलर में रहेंगे तो हमें समझना है कि ये है। जरूरी नहीं कि वो ऐसा लिखा होगा कि निषेधात्मक है। ये होते हैं चार प्रकार के, मैं आपको नाम बता देता हूं, निषेधात्मक, दूसरा है आदेशात्मक, आदेशात्मक चिन्ह या संकेत भी हम इसे लिख सकते हैं। फिर तीसरा जो होता है हमारा सूचनात्मक, सूचनात्मक चिन्ह, ठीक है, सूचनात्मक। और जो हमारा चौथा और अगला होता है वो होता है चेतावनी, चेतावनी या चिन्ह, या इसे इंग्लिश में वार्निंग साइन भी कहते हैं, वार्निंग साइन। ठीक है, निषेधात्मक यानी वर्जित, ऐसा कार्य नहीं करना है। जैसे सिनेमा हॉल में आप गए होंगे या हॉस्पिटल में गए होंगे या सार्वजनिक प्लेसों में आजकल बना होता है, ऐसे बना होता है, उसमें यूं करके एक सिगरेट बनी होती है, उसमें से ऐसे धुआं निकल रहा होता है और इसको ऐसे क्रॉस किया हुआ होता है, वहां पे लिखे रहता है कि धूम्रपान करना वर्जित है, धूम्रपान करना वर्जित है। अब देखिए इसी साइन को कैसे बनता है। साइन तो होता है गोल, इसका जो बॉर्डर होता है और ये क्रॉस होता है, ये कैसा होता है, लाल, समझिएगा, ये बॉर्डर और ये क्रॉस जो होता है ये लाल रंग का होता है। और ये जो बॉर्डर होता है, ठीक है, और ये जो अंदर जो ये चिन्ह बना होता है, जो सिगरेट या बीड़ी या स्मोकिंग जोन का जो चिन्ह बना होता है, यह कैसा होता है, इसका जो बना होता है यह होता है काला, कैसा होता है, काला, काले कलर का होता है। तो ये जो हमारा बॉर्डर, यानी आप ऐसा कर लिख सकते हैं कि बॉर्डर और जो क्रॉस है, क्रॉस, ठीक है, ये बॉर्डर और क्रॉस कैसा होता है, लाल कलर का, और जो काला होता है वो क्या होता है, चिन्ह, चिन्ह जो है, संकेत भी कर सकते हैं आप, वो कैसा होता है, काले रंग का। और जो इसका ये पृष्ठभूमि होती है, ये जो पृष्ठभूमि, ये कैसी होती है, सफेद, सफेद पृष्ठभूमि। मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एग्जाम में जनरली यही पूछता है, सांकेतिक चिन्ह में निषेधात्मक चिन्हों की जो पृष्ठभूमि होती है वो किस कलर की होती है, और कलर ऑप्शन दिए होते हैं। तो ये चीजें हमें सबसे इंपॉर्टेंट, यही चीजें ध्यान रखने योग्य है। तो हमारा हो गया निषेधात्मक का, हमने आपको बताया कि उसका जो बॉर्डर और क्रॉस होता है, कि जो चीज़ हमें नहीं करनी है वो लाल कलर की होती है, बॉर्डर और क्रॉस लाल कलर का होता है, पृष्ठभूमि होती है सफ़ेद, और जो चिन्ह होता है संकेत चिन्ह वो कैसा होता है, काला, काले कलर का। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना है। अब हम आते हैं दूसरे संकेत चिन्ह की तरफ। दूसरा संकेत चिन्ह यानी आदेशात्मक चिन्ह आदेश दे रहा है, समझिएगा, आदेश दे रहा है। ये चीज यहां पे आपको अनिवार्य रूप से
करनी है, कंपलसरी है वो करना। आप देखिए यह भी होता है गोलाकार ही, यह भी कैसा होता है गोलाकार, समझिएगा गोलाकार होता है। इसकी जो पृष्ठभूमि होती है, पृष्ठभूमि कैसी होती है, किस कलर की होती है, इसकी जो पृष्ठभूमि होती है वो होती है नीली कलर की, ठीक है, नीली, या आप कह सकते हैं पृष्ठभूमि का कलर नीला होता है। पृष्ठभूमि का जो कलर होता है वो नीला होता है, और जो हमारा ये अंदर संकेत चिन्ह बना होता है ऐसे, ठीक है ना, यहां पे लिखा रहेगा वेयर द इयरिंग प्रोटेक्शन, वेयर यानी पह धारण करो, इयरिंग माने कानों के लिए, प्रोटेक्शन यानी आपका बचाव, जो भी बचाने कान को बचाने के लिए आपने लिया हुआ है, यानी ईयरबड्स जो भी हैं या हेड गब्स हैं उनको आप लगाएं और अपने कानों की सुरक्षा करें। तो वेयर द ईयर इयरिंग प्रोटेक्शन, वेयर द इयरिंग प्रोटेक्शन, इसकी जो पृष्ठभूमि, ठीक है, ये पृष्ठभूमि जो होती है वो नीले कलर की होती है, और इसका जो संकेत चिन्ह होते हैं, संकेत चिन्ह ये कैसा होता है सफेद, ठीक है, इसमें दो ही चीज होती है, इसका जो पृष्ठभूमि होती है नीली, और संकेत चिन्ह जो होते हैं वो सफेद होते हैं, और इसका ये जो गोलाकार बॉर्डर होता है यह भी हमारा नीला ही होता है, ये पूरा नीला होता है, यहाँ पूरी जगह ये नीला होगा, ठीक है, और ये बीच में जो ये रहेगा ये कैसा होगा, ये सफेद, ठीक है, जो साइन है वो सफेद कलर में, हम जैसे ब्लू कलर में लिख ले रहे हैं मार्कर से, तो ये सफेद में होगा। ध्यान रखने योग्य बात है यहाँ पे है आदेश, मतलब आपको यह करना है, कभी ईयरबड्स बना होगा, कभी हेलमेट बना होगा, कभी हाथों के लिए ग्लव्स बने होंगे, ऐसी चीजें बनी होती हैं, तो यह होता है हमारा कैसा आदेशात्मक, आदेशात्मक, निषेधात्मक हो गया वर्जित है, आदेशात्मक हो गया अनिवार्य है आपको करना, और फिर होते हैं अब देखिए सूचनात्मक, सूचनात्मक ध्यान दीजिएगा, सूचनात्मक में, सूचनात्मक का जो आकार होता है वो वर्गाकार होता है, ध्यान दीजिएगा वर्गाकार, कैसे वर्गाकार, सूचनात्मक मैं यहां पे आपको समझाता हूं, ऐसे ऐसे ये ठीक है ना, वर्गाकार चारों तरफ से समान वर्गाकार आप देखिएगा, और ऐसे ये, ठीक है ना, अब ये है आपका सूचनात्मक, कैसा चिन्ह है सूचनात्मक, तो ये जो पूरा है ये वाला भाग, ये वाला भाग यानी पृष्ठभूमि, पृष्ठभूमि कैसी होगी, पृष्ठभूमि इसकी होती है हरा, ठीक है, पूरी पृष्ठभूमि इसकी कैसी होगी, हरे रंग की होती है पृष्ठभूमि, ठीक है, गर्मी बहुत है, पृष्ठभूमि जो हमारी होती है इसकी पूरी हरे रंग की होती है, और जो ये चिन्ह होता है यह कैसा होता है, जैसा है सफेद रंग का, ये पूरा हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा हरा कर दिया है, और इसको सफेद डिजाइन में बस कितना छोड़ दिया है, जितना ये प्लस का मार्क बना है, यानी ये किसके लिए है कि यहाँ पे मेडिकल सुविधा उपलब्ध है, ये देखिए ये मैंने कर दिया हरा, ध्यान दीजिएगा ये मैंने हरा कर दिया, यहाँ हर जगह हरा कर दिया, सिर्फ इतना छोड़ दिया है, तो ये क्या संकेत दे रहा है, पृष्ठभूमि हो गई हरा, और जो संकेत चिन्ह है हमारा, संकेत चिन्ह है वो कैसा है सफेद, सफेद, ठीक है, तो ये क्वेश्चन याद रखना है आपको, सूचनात्मक वाले वाक्य में पृष्ठभूमि हरी हो गई हमारा जो संकेत चिन्ह है, और सफेद हो गया, अगर पूछता है कि इसका बॉर्डर कैसा होता है तो हरा होता है, क्योंकि पूरी पृष्ठभूमि हरी हो रही है, वो हरा यहाँ से पूरा ऐसे बना रहे हैं, सिर्फ बीच में इतना छोड़ते हैं, पृष्ठ को सफेद रखते हैं बस, ठीक है ना, तो बॉर्डर अगर पूछता है तो बॉर्डर भी हमारा हरा,
यहाँ पे लिख दीजिए चाहे बॉर्डर हरा होता है, ठीक आप समझिएगा। इसके बाद यह हो गया हमारा कैसा सूचनात्मक, यह क्या संदेश दे रहा है, सूचना दे रहा है कि यहाँ पे मेडिकल सुविधा उपलब्ध है। अब हम आते हैं अगले चिन्ह की ओर जिसका नाम है चेतावनी, वार्निंग साइन, वार्निंग साइन, ध्यान दीजिएगा चेतावनी साइन या वार्निंग साइन। अब वार्निंग साइन में क्या आता है, एक होते हैं त्रिभुजाकार, कैसे होते हैं, यह होते हैं ऐसे, थोड़ा सा ऐसे और ये यहाँ पे ऐसे जाके थोड़ा सा ऐसे, ठीक है ना, एकदम त्रिभुजाकार, ये ठीक है, ये हो गया हमारा कैसा, चेतावनी वाले। इसका जो संकेत चिन्ह होता है, संकेत चिन्ह कैसा होता है, संकेत चिन्ह जो होता है हमारा कैसा होता है, काला रंग का, काला, ठीक है ना, जो हमारा संकेत चिन्ह होता है वह होता है काला, एवं बॉर्डर भी जो हमारा होता है यह भी होता है काला, लेकिन इसकी जो यह पृष्ठभूमि होती है, ध्यान दीजिएगा पृष्ठभूमि, इधर ध्यान दीजिए, ठीक है, इसकी जो पृष्ठभूमि होती है, लेकिन बाद में आप नोट कर लीजिएगा, इसकी जो पृष्ठभूमि होती है वो कैसी होती है, पीली होती है, ध्यान दीजिए पीला कलर का, ये जो पृष्ठभूमि पूरी होती है, पृष्ठभूमि, पृष्ठभूमि जो होती है ये कैसी होती है, पीली। हम आपको लिखने का मौका पूरा देंगे आपको बनाने का, ठीक है ना, और हम आप लोगों के लिए भी डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है ना, थोड़ा सा हम उसको प्रिपेयर करने में लगे हुए हैं कि आपको अच्छे से अच्छा नोट्स दे सकें हम, ताकि आप तैयारी कर सकें, ठीक है ना, ऐसा। अच्छा, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछता है, क्योंकि मैंने खुद DRDO का पेपर दिया हुआ है, इसरो को पेपर दिया हुआ है, तो इस तरह के सवाल, आप ये ना सोचिए कि संकेत बहुत छोटी चीज है, ये बहुत बड़ी चीज है, रोज भी यूज होती है, तो ये तो पूछता ही पूछता है, क्योंकि आप कहीं भी घुसोगे, इतने बड़े संस्थान में घुसोगे और जाके आपको मान लीजिए आदत है सिगरेट पीने के, आप कहीं भी जला के चालू कर दिए, ठीक है ना, तो आपको हर जगह ये सारी चीजें ध्यान दे के, वैसे तो जनरली सब इतने समझदार होते हैं, सबको पता होता है, छुप छुपा के होता है जो कुछ होता है, ठीक है ना, हम समझ रहे हैं, ठीक है, तो ये जो संकेत चिन्ह है बहुत अच्छी बात नहीं है, करना नहीं चाहिए, ठीक है, तो संकेत चिन्ह होता है हमारा काला, और पृष्ठभूमि जो होती है वो हमारी पीली होती है, और इसका जो बॉर्डर होता है वह भी काला ही होता है, ध्यान दीजिएगा, त्रिभुजाकार संकेत होता है, त्रिभुजाकार, ठीक है ना, आप इस पे आप देख लीजिए, जैसे यहाँ पे एक रस्सी लटक रही है, यहाँ पे एक रस्सी लटक रही है, और यहाँ पे कुछ ऐसा भारी भारी सामान बांध दीजिए, या ऐसे क्रेन टाइप का बना दीजिए, मतलब वार्निंग दे रहा है कि यहाँ पे ऊपर हैवी लोड है, यहाँ पे संकेत लिखा होगा कि सर को अपने बचा के रखें, चेतावनी, यहाँ पे भारी सामान क्रेन द्वारा लिफ्ट किया जा रहा है, सर को अपने संभाल के रखें, ठीक है, या यहाँ पे इसको हटा दिया, यहाँ पे वो खोपड़ी बना दी डरावनी सी, वो ऐसे करके नहीं बनती है, ऐसे, और यहाँ पे ऐसे ऐसे मुंह बना दिए, और इस पे ऐसे ऐसे हड्डियां लिख दिए, 440 बोल्ट खतरा है, 440 बोल्ट, 800 ऐसे आप बना दिए, 11,000 बोल्ट, 33,000 बोल्ट डेंजर है, मतलब आप
बिल्कुल करीब मत जाइएगा, नहीं करंट में आपको भारी झटका लग सकता है। तो इस टाइप के संकेत कैसे बने होते हैं, ठीक है ना, इनका जो संकेत चिन्ह होता है वो काला होता है, ये जो संकेत चिन्ह हमने बनाया और लिखा ये काला होता है, और जो पृष्ठभूमि होती है ये कैसी होती है, पीली होती है। तो अब हमारा ये चारों चीज़ें खत्म हो चुकी है। आप ध्यान देने योग्य वाली बातें हैं, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, इसका जो चिन्ह कैसा होता है, गोलाकार होता है, निषेधात्मक का बॉर्डर लाल और क्रॉस लाल होता है, और जो चिन्ह होते हैं वह काला होता है, ठीक, पृष्ठभूमि सफेद होती है, ठीक है। आदेशात्मक, आदेशात्मक माने आदेश दे रहा है कि वेयर द हेलमेट वेयर द गॉगल्स, ऐसा आदेश दे रहा है। तो इसमें क्या होता है, आदेशात्मक में इसकी भी गोलाकार होती है, ठीक है ना, पूरा जो आकृति होती है वह गोलाकार होती है, पृष्ठभूमि जो होती है वह नीली होती है। फिर से बता रहा हूँ आप लोगों को, पृष्ठभूमि जो होती है वो नीली होती है, ध्यान दीजिएगा, और जो संकेत चिन्ह होते हैं वह सफेद होते हैं आदेशात्मक के। सूचनात्मक का वर्गाकार होता है, वर्गाकार वर्गाकार ध्यान दीजिएगा, वर्गाकार संकेत चिन्ह जो होता है वह कैसा होता है, वर्गाकार, पृष्ठभूमि पूरी हरी होती है, बॉर्डर भी हरा होता है, और जो साइन होते हैं वह सफेद होते हैं। अगला है चेतावनी, वार्निंग साइन, चेतावनी संकेत, यह कैसा होता है, अभी थोड़ी देर पहले बताए हैं, त्रिभुजाकार होता है, और जो इसके बॉर्डर होता है, और बॉर्डर जो होता है वह काला सॉरी सफेद होता है, संकेत चिन्ह, संकेत चिन्ह और बॉर्डर कैसा होता है, सफेद होता है पूरा, और जो इसकी पृष्ठभूमि होती है वह पीली होती है, येलो पीली, ठीक है। तो ध्यान देने योग्य ये बातें हैं आपको। अगर हमारा यह कॉन्सेप्ट, यह चैप्टर अच्छा लगा हो, पढ़ाने का कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। अगली क्लास में हम आपको और अच्छी चीज़ें से रूबरू कराएंगे, बताएंगे, सिखाएंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।